इस बीच बड़ी खबर से आपको मुखातिम करा दे, जहां पर रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 5 अगस्त को कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होना है। अंबेडकर चौक में आयोजित होगा यह विशाल धरना प्रदर्शन और राजधानी में राजभवन का घेराव करने की रणनीति बनी है। बताते चले कि भूपेश बघेल सीएम शामिल होंगे, सीएम भूपेश बघेल जो की प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई दिग्गज भी इस दौरान शामिल होंगे। बढ़ती महंगाई पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें आपको, तो अब कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है और इसी के तहत अब 5 अगस्त को कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होना है। अंबेडकर चौक में इस विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा और राजधानी में राजभवन का घेराव करने की रणनीति बनाई गई थी। बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी इस दौरान शामिल होंगे इस धरना प्रदर्शन में, साथ ही साथ कई दिग्गज भी इस दौरान शामिल होंगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां आज भी रायपुर में बाधित रहेगी जल आपूर्ति। फिल्टर हाउस में काम चलने के कारण ये मुश्किल होनी है, 48 घंटे के लिए शटडाउन किया गया है। बताते चले कि कई पॉश इलाकों में आज पीने का पानी नहीं आएगा और जिसके चलते अब कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोग अपने घरों में पानी का स्टोरेज बना के रखें, क्योंकि 48 घंटे तक के लिए ये शटडाउन किया गया है। ऐसे में आज भी फिल्टर हाउस में काम चलने के कारण ये मुश्किल होगी और बताते चले कि ऐसे में लोगों के घर में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। और कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण जारी है और आज फिर आपको बता दें 518 नए मरीज मिले हैं कोरोना के, जहां पर आपको बताते चले कि 493 स्वस्थ होकर मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। रायपुर में अगर बात की जाए तो 54 मरीजों की पुष्टि हुई है, दुर्ग में 49 मरीज मिले हैं। और अगर पॉजिटिविटी दर की बात करें तो पॉजिटिविटी दर औसत 4.56% दर्ज किया गया है। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,481 पहुंच चुकी है। तो बड़ी और अहम जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता अंकुश की ओर। अंकुश, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रकोप वो बढ़ता चला जा रहा है, संक्रमणों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग आखिर किस तरह से इस पर नजर बनाए हुए है, आखिर इन आंकड़ों में कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कंट्रोल ना हो पाने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यही माना जा सकता है कि अब लोग जो हैं बेपरवाह हो गए हैं और उन्होंने इस बात की चिंता छोड़ दी है कि हम संक्रमण के दौर में जी रहे हैं। काफ़ी लंबा समय गुजरा है जब डर के और दहशत के साए में लोग रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो डर खत्म हो रहा है और यही कारण है कि खत्म होते डर के कारण अब संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर जो है बच्चों को प्रभावित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ से जिस तरीके से संक्रमण दर निकल कर आ रही है उससे स्पष्ट है कि तीसरी लहर में केवल स्पेसिफिक बच्चों के लिए नुकसान नहीं होगा बल्कि सभी के लिए ये नुकसानदायक है। चूंकि चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों ने कोविड टीकाकरण करवा लिया है वो भी फिर से संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने टीकाकरण कराया हुआ है उनको जान का खतरा नहीं बना हुआ है। बावजूद इसके लोग इससे बेपरवाह हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हालात देखे जाएं तो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, राजनांदगांव ऐसे बड़े बड़े शहर हैं जो सबसे ज़्यादा संक्रमण का हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसके बाद भी लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, कोविड गाइडलाइन को लेकर सरकार भी चिंतित है, सरकार भी अपील करती नजर आती है, स्वास्थ्य विभाग की भी कोशिश है, नगर निगमों की भी कोशिश है। बावजूद इसके लोग जो हैं अब इसके कोविड गाइडलाइन का एहतियातन पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, यही कारण है कि संक्रमण दर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 7% के आसपास चल रही है जो अपने आप में खतरे का निशान बताती है। जब कहा जाता है कि जिस प्रदेश में 4% से ज़्यादा संक्रमण की दर हो वो प्रदेश जो है खतरे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि खतरे के निशान से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बीच बीच में मौत के आंकड़े भी निकल कर सामने आ रहे हैं जो चिंताएं बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें जरूरत है लोगों को एहतियात बरतने की। लोग अगर संक्रमण से बचेंगे, लोग अगर खुद बचेंगे तो
दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे, खुद को भी सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल चिंता जो है अब लोगों को भी करनी है, क्योंकि प्रशासन चिंता लगातार व्यक्त करता नजर आ रहा है। प्रशासन अपनी ओर से तमाम कोशिशें कर रहा है कि संक्रमण का जो आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है उसमें कमी आए, लेकिन लोगों की लापरवाही का नतीजा भी साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में कुल कितने आंकड़े हैं और सबसे ज्यादा कौन से जिलों में आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कितनी क्या कुछ स्थिति है अभी आंकड़ों की बात करें तो? देखिए रायपुर और दुर्ग ऐसे हैं जहां पर रोजाना जो औसत है वो करीब 60 के आसपास है, मतलब रोज 60 के आसपास मरीज मिल रहे हैं। पूरे प्रदेश भर का औसत अगर देखा जाए तो 500 से ज्यादा मरीज रोजाना मिल रहे हैं। ये स्थिति 900 और 950 तक पहुंच चुकी है, बावजूद इसके लोग जो है अभी भी उन कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा रेशियो देखा जाए अगर तो करीब 2 महीने का समय है, 2 महीने से संक्रमण दर में वृद्धि होना शुरू हुई थी। पहले शुरुआती दौर में 10 से 12 मरीज जो है हर जिले में मिल रहे थे। अधिकतर जिले ऐसे थे जो संक्रमण मुक्त थे, जहां पर संक्रमण की संख्या शून्य थी, लेकिन धीरे धीरे ये विस्तार होते होते स्थिति ये बनी है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ये संक्रमण पहुंच चुका है। और चूंकि रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर की अगर बात करें तो यहां से संक्रमित मरीजों की संख्या औसतन 50 के आसपास रोज निकल रही है, लेकिन जहां से मरीज नहीं निकल रहे थे वहां से भी 10 से 15, 15 से 20 मरीज निकलना शुरू हुए हैं। तो ये चिंताजनक बात है। औसत जहां से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये आंकड़े बताते भी हैं, क्योंकि हमने लंबे समय तक कोरोना की लहरें देखी हैं, लंबे समय तक कोरोना का काल देखा है। संक्रमण दर जो है शुरू होती है 1 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से संक्रमण दर में वृद्धि होती है और यही स्थिति वर्तमान में बनती हुई दिखाई दे रही है। स्वाभाविक तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है, वो अपना चिंता व्यक्त करते नजर आता है, लोगों से अपील करते नजर आता है, लेकिन लोग जो हैं जब तक खुद अपने आप को संक्रमण से दूर नहीं रखेंगे, जब तक कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तब तक, जब तक खुद को सतर्क नहीं रखा जाएगा तब तक इस तरह से कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी से निजात नहीं मिलेगी। जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। मास्क का प्रयोग जरूर करना है और भीड़ वाली जगहों पे निकलने से हमें बचना है और दूरी का पालन जरूर करना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश तमाम जानकारी के लिए। और बात बिलासपुर की करते हैं, जहां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बंद पड़ी ट्रेनों से फिर से